असी चाहते हैं 70 किसान साढ़े शहीद हो चुके हैं, सरकार होर कितनियां शहादत चाहती है ये उन्हें सोचना चाहिए। एक शहादत का मन भी जोड़ा है तारे नहीं जा सकता, तो रोज़ साढ़िया एक दो लाशा इतों जा रही, असी चाहते सरकार को इमीजिएट वो मंगा जीडिया इन्होंने गैर कानून ढंग पास की है बिल वो रद्द करने चाहिए है, किसान ना रह करके नवे बिल लियाने ले आन। जे सरकार की स्पीड यही रही तो 26 जनवरी का मार्च दिल्ली के इतिहासक मार्च होगा, बहुत वड्डी परेड होगी, 20 लाख किसान का ये कट होगा, फिर सरकार ने भी मुश्किल हो तो किसानों की भी मजबूरी होगी मार्च करने। जिहड़े साढ़े मेन मुद्दे ने भी खेती के 3 कानून जिहड़े आ वापस सरकार लवे उहदी प्रक्रिया ते साढ़े नाल बह के गल करे, इहदों गां सारियां फसलां दी खरीद की गरंटी वाला कानून लैके आवे ते उह कानून का की खलड़ा होवे उहदे ते विचार चर्चा होवे, जां जिहड़े 2 कानूनां ते पिछली वारी उहनां ने कोई गलबात कीती सी उहनूं अमल च किवें लागू करना, उहनूं लिखती उहदी प्रोग्रेस होवे। सो इह मुद्दे ने जिहते सारियां जथेबंदियां च आ रहियां। ये 2 इशू के उत्ते साडा सरकार दे नाल इक तरह का फसया होया, बिल्कुल सिंह फसे हुए ने। अज की गलबात दे विच कहिंदे ने कि काफ़ी प्रैशर है सरकार ते, अंदोलन तेज होया होया वड्डा हो गया होया, सारे पासे प्रैशर है। सो इस हालात दे विच मैनू लगता कि सरकार नू जरूर ही झुकना चाहिए मनना चाहिए, पर जो हालात सरकार बारे सुनी दे ने जिस किस्म का इन्हों पर दबा है WTO का कारपोरेट घराणिया का तो खुद जिद्दी हिंडी किस्म की सरकार है, उहदे विच हो सकदा कि सरकार अजे भी 3 कानूनां बारे कुछ भी सोचण तो जां मन्नण तो इनकारी होवे। असी अज इह गलबात तो बाद अंदोलन दे नवे रूपरेखा जिहड़ियां उह घड़ के ऐलान कर दित्तियां होईयां ने, अंदोलन होर तिखा होगा, तेज होगा, विशाल होगा, देश व्यापी नहीं संसार व्यापी हो गया अंदोलन। सो अज इस गलबात जाण तो पहलां मैं तुहानू सारिआं नूं इह गल विश्वास दिवाउणा है कि असी किसान जथेबंदियां दे जिहड़े लीडर लोग तुसीं सानूं जिन्हां ते विश्वास करके भेजिआ, असी तुहाडीआं पूरीआं उहनां इच्छावां दे उत्ते तुहाडे विश्वास दे उत्ते पूरे उतरांगे। हाँ जी, अज साडी संजोत मोर्चे की 7वीं मीटिंग सरकार नाल हो रही है। सरकार स्टैप बाय स्टैप बैकवर्ड ते है, किसानां दी एजिटेशन ते लोक हमायत जिहड़ी है लगातार वध रही है, उहदे सिट्टे वजों सरकार हौली 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 मंगा मानण नूं तैयार हुंदी है। असीं चाहुंदे हां 70 किसान साढ़े शहीद हो चुके हैं, सरकार होर कितनियां शहादतां चाहुंदी है ये उन्हें सोचना चाहिए। एक शहादत का मन भी जोड़ा है तारे नहीं जा सकता, तो रोज़ साढ़िया एक दो लाशा इतों जा रही, असी चाहते सरकार को इमीजिएट वो मंगा जीडिया इन्होंने गैर कानून ढंग पास की है बिल वो रद्द करने चाहिए है, किसान ना रह करके नवे बिल लियाने ले आन। जिहड़ा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी रद्द करना चाहिए, जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो किसान करे ना करे सरकार की किसी तरह की असी किसी ना समझौता करिए। तीजा जिहड़ा प्राइवेट प्लेयर मार्केट लिया रहे हैं उन्होंने नहीं लिया चाहिए, सरकार आप खरीद करे, जेडे लोड पाते पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राही लोगों अनाज देवे, तो जेडे जिन्हां सूबे अनाज नहीं पैदा होंदा उन्होंने सरकार खुद देवे जिहड़ा पुराना सिस्टम है। ये घट्टो घट सहायक कीमत फिक्स होंदी है, घट्टो घट नूं कहिंदे आ, इदों थले नहीं कीमत होनी चाहिए, वो तां बनती है जे सरकार बिच होवे मैदान च, नहीं तो क्वालिटी के नाम से लोगों लुट रही है प्राइवेट प्लेयर। घट्टो घट सहायक कीमत C2+50% प्रॉफिट के नाल फेस की जाए तो सरकारी खरीद की गरंटी की जाए, ये 4 कानून साढ़े रेंदे है। पंजाब नाल संबंधित पराली का जिहड़ा करोड़ का जुर्माना सी, बिजली बिल जिहड़े सानू फ्री मिलते सी वह नहीं मन्ने आ पिछली बारी, पर लिखती हाले सानू मिलिया नहीं, मिल जाओ कोई गल नहीं, कोई एडी गल नहीं। स्लो स्पीड से सरकार चल रही है, जे सरकार की स्पीड यही रही तो 26 जनवरी का मार्च दिल्ली के इतिहासक मार्च होगा, बहुत वड्डी परेड होगी, 20 लाख किसानों का ये कट होगा, फिर सरकार ने भी मुश्किल हो तो किसान की भी मजबूरी होगी मार्च कर। संजू साहब जोड़े अज के मीटिंग एजेंडे वो मेन की रहने, असी सेंक्वेंस इन्होंने भेजे है जी, सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। पहले 3 कानून है जोड़े सरकार ने पास किए हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग,
एंड मंडी एक्ट जोड़ा वो तीन आ चौथा एम एस पी है चा चार आज के मुद्दे साढ़े अभी सीकुएंस उ रहेगा साढ़ा वो नहीं मानते जैद रौला रप्पा पाने तो बाद अगले चल जाएंगे दो अगले चल जाएंगे जो मनगे वो सही पर इन्हों रद्द कराए बिना किसानों ने वापस नहीं जाना क्योंकि जिनी लोगों ने सपोर्ट दी है जिनी लोग तनो मनो तनो हमायत कर रहे हैं इतों तक हरियाणे के लोगों ने अपने कारोबार बंद करके साढ़े लिए दरवाजे खोल दिए है इन्नी हमायत कदे नहीं हुई एक नौजवान ने हरियाणे के ने वजीर जी तुहाडी उम्र का मुंडा आ जिहड़े कोई जानवर पालना कोई पुत पालना बराबर होंगे वो कुत्ता नालों भी ज़्यादा तेज़ पाली मज 51 लाख की बेच के लंगर के लाती है परसों दो मुंडे आए हैं 26 खेत उन्होंने कणक के आ कहते एक भी दिन मंडी चीज आना सारा लंगर चला इदा की हमायत कदे असी अंदाजा नहीं सी लाया जो अं तुरे से असी समझते 1-1.5 लाख बंदा चल जाऊगा पर अच्छे थोड़े सामने 5 लाख बंदा पहुँच गया तो 26 को 20 लाख तो बद रो कि पहुँचेगा संधु साहब जेडे नजायज 452-307 के परचे हुशियारपुर प्रशासन ने दिते आ गोवा सुत्तन करके वो बारे थोड़ा की प्रतिक्रिया देखो कंडेम करते हैं परचे पढ़ना माइनर चीज़ें एजुटेशन जे किसी एजुटेशन परचा ही नहीं होंगे भी एजुटेशन कहती हुई असी तो कहने असली लीडर हो जे तो 10 परचे होचे रद्द करवा माइनर गल सबसिडी है जे असी मंगा छड के परचिया वालों तौर पर रद्द करो वो तो हूँ कर दे मैं इस करके क्योंकि तुम उन्होंने कोई दिल ना छे हिम्मत ना हारे कि सारिया यूनियन कुछ भी कर लैन जिदन जरूरत हो उदन कैंसल करा लेंगे इस वे सारा माइंड असं इन्हों कंडेम कर चुके हैं पहला मीडिया राही अज भी असं उन्होंने कहने भी परचे रद्द करवा बाएं हाथ का काम है साढ़ा कोई समस्या नहीं परचे तो एक दिन का काम है 50 सरकार रद्द करने हैं कोई 50 सरकार सेंटर ही चुकाया 50 सरकार की चीज़ है एक लोगों का होर सवाल आ रहा है भी जी कल लाखी चार्ज किसान रवाड़ी के किसान से भी होया इशारे से होया जिदा होया इतने मीटिंग रखा जाऊगा भी क्यों हो मीटिंग में तो रखा पिछली बार रखा जो 3-4 स्टेटा ने किया उत्तराखंड वाले ने यूपी वाले ने बड़ा उत्तराखंड का सब तो खतरनाक काम आ जड़िया जमीन उन्होंने अटैच हुई ना हुई डिस अटैच कर रहे वो असी मुद्दा रखे से नहीं कहा करा हरियाणे वाले ने जो परचेदारी 307 वाले वो मुद्दा भी रखे से यह मुद्दे भी रखा जिमें वजीर जी मैं तुम्हें पहला कहा यह बहुत छोटी गल् संघर्ष है जेडा वा संघर्ष आ ये 302 के परचे होने 307 कुछ भी नहीं है असी 302 के परचे चले हैं रेलवे 3 परचे आ ये माइनर गल है अज असी संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई थले 40 मैंबर की टीम जिन्हों के नाल एक एक या दो होर भी किसान आगू ने समेत अपनी IT सैल की टीम दे विज्ञान भवन के सरकार नाल गलबात करने पहुँचे हाँ 7वें राउंड की गलबात है यह 6 राउंड्स के सरकार इन्ना ही साड़िया मंगा मनने लिए तैयार हुई है सिर्फ जिदे दो एक पोल्यूशन वाली तो दूसरी जो पावर बिल 2020 वाली यह कोई 15-20% तक ही मैं सोचता कि ये साड़ी मंगा मनण वास्ते सरकार तैयार हुई है लेकिन 80-85% तो हैवी मंगा ने जड़िया मुख मंगा ने वड्डिया मंगा ने जिन्हां विच तीनों खेती कानूनों रद्द करना ते नाल MSP दी एज प्रिंसीपल एक गरंटी दे के उहदा फिर अगे उहदे डिटेल्स घड़न वास्ते उहदे तौर तरीके की अपनाउणे ने उहदे ते गल करना ये दो इशू के उत्ते साडा सरकार दे नाल एक तरह का फसया होया बिल्कुल सिंह फसे हुए ने अज दी गलबात दे विच कहिंदे ने कि काफ़ी प्रैशर है सरकार ते अंदोलन तेज होया होया वड्डा हो गया होया सारे पास्यों प्रैशर है सो इस हालात दे विच मैनू लगता कि सरकार नू जरूर ही झुकना चाहिए मनना चाहिए पर जो हालात सरकार बारे सुनी दे ने जिस किस्म का इन्हों दबा है WTO का कारपोरेट घराणिया का तो खुद जिद्दी हिंडी किस्म की सरकार है वो हो सकता कि सरकार अजे भी 3 कानूनों बारे कुछ भी सोचण तो या मनण तो इनकारी होी अज ये गलबात तो बाद अंदोलन के नवे रूपरेखा जड़िया वो घड़ के ऐलान कर दित्तियां हुई ने अंदोलन होर तिखा होगा तेज होगा विशाल होगा देश व्यापी नहीं संसार व्यापी हो गया अंदोलन सो अज इस गलबात जाने तो पहला मैं तुहानू सारयां नू ये गल विश्वास दवाउणा है कि असी किसान जथेबंदियां दे जिहड़े लीडर लोग तुसीं सानू जिन्हां ते विश्वास करके भेजिया असी तुहाडियां पूरियां उन्हां इच्छावां दे उत्ते तुहाडे विश्वास दे उत्ते पूरे उतरांगे
तो असी जरूर ही किसानों दी सारिया मंगा जिन्हां वास्ते तुसी साडे तो आसमंद हो उहदे च अखीर तक लड़दे हुए तुहानू कामयाबी दवावांगे। धन्यवाद। मैं सरवण सिंह भदेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी सूबा जनरल सकत्तर बोलदा जी। अज्ज अपनी केंद्र सरकार नाल गलबात होण जा रही आ, इह सत्तवें दौर की गलबात आ ते अपनी जथेबंदी पहलियां गल्लां बातां च नहीं सी शामिल हो सकी। अज्ज असी फैसला कीता जिवें सारे पंजाब दे लोक केंद्र दे खिलाफ सारियां नूं इक थां इकट्ठा वेखणा चाहुंदे आ। पिछले चार पाँच दिनां तों कोई सरकार दा इस किस्म दा बयान भी नहीं आया हैगा। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਗਣਰਾਜ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਹਦੋਂ ਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਖਲੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਰੋਂ ਰੁੱਖ ਰਵੱਈਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਗਾੜੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 26 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।